हरियाणा सरकार द्वारा 28 जातियों के समूह को टपरी वास्व विमुक्त जातियों में शामिल किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन जातियों को इसलिए शामिल किया था कि देश की आजादी से लेकर अब तक इन जातियों के लोगों के बच्चे शिक्षा से भी वंचित रहे हैं। चूंकि अब भाजपा सरकार ने टपरी वास्व विमुक्त जातियों के लोगों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ग आयोग का गठन किया हुआ है, ऐसे ही केंद्र सरकार ने 5 विधानसभाओं में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन्हीं 5 विधानसभाओं में हरियाणा भी शामिल किया गया है, जिससे इन जातियों के लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके और जो इन जातियों में पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस पर भाट समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील भट्ट ने कहा कि इन जातियों के बच्चों को कोई भी आर्थिक लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। टपरी वास्व विमुक्त जातियों के बच्चों के केवल प्रमाण पत्र तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन इन प्रमाण पत्रों की कहीं भी हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग व अन्य विभागों में कोई मान्यता ही नहीं दी जा रही है, जिससे प्रदेश के बच्चे आहत नजर आ रहे हैं। उन बच्चों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुहार लगाई है कि यदि उनकी सरकार उन्हें कोई लाभ नहीं देना चाहती है तो यह प्रमाण पत्र क्यों दिए गए। सुशील भट्ट का कहना है कि भाजपा सरकार बच्चों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सुशील भट्ट ने रोहतक मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिला से वंचित रही छात्रा रितु के बारे में बोलते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने उन्हें टपरी वास व विमुक्त जातियों में शामिल करके केवल और केवल वाहवाही लूटने का काम किया है। उल्लेखनीय है कि रितु ने पिछले साल भी दाखिला लेने के लिए भरसक प्रयास किया था, लेकिन बावजूद इसे उसके दाखिला नहीं मिला और केवल उन्हें जाति प्रमाण पत्र का एक कागज का टुकड़ा देकर उन्हें शर्मसार किया गया। आइए सुनते हैं इस विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील भट्ट ने क्या कहा। हम क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मेरी सरकार से एक ही मांग है कि उन्होंने टपरी वास विमुक्त जाति आयोग बनाया है राष्ट्रीय लेवल पर मोदी जी ने, इसके लिए तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 70 साल में ऐसा काम किया है। लेकिन 5 राज्यों में जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें एक हरियाणा है। हरियाणा में नोटिफिकेशन तो हुआ और बच्चों के सर्टिफिकेट भी बनाए हैं। इसमें कुछ बच्चे उभर के शिक्षा विभाग के लिए दाखिला लेने गए हैं। अब जहाँ पर हमने वो सर्टिफिकेट दिखाया प्रमाण पत्र, तो वहाँ कुलपतियों ने एक ही बात कही है कि भाई ये मान्यता नहीं है, अभी इसके ऊपर कोई ऐसा फैसला नहीं आया है कि इसके तहत इनको एडमिशन दिया जाए। तो टपरी वास और विमुक्त जाति में करीबन 40 से 50 बच्चे उभर के सामने आए हैं, जो 5 जाति इन्होंने किए अभी पीछे, तो उनमें विमुक्त जातियों में अब एडमिशन के लिए जिसमें एक बेटी रितु ये उभर के सामने, जिसके मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए पिछले साल भी इन्होंने बहुत कोशिश की MBBS और BMS के लिए, एडमिशन नहीं हो पाया। इस बार भी रोहतक के कुलपति ने कह दिया कि इसके लाभ के लिए कोई सरकार ने नहीं लिखा, जबकि मैंने उनको नोटिफिकेशन भी दिखाया। ये नोटिफिकेशन मेरे पास है कॉपी, ये सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जिसमें 5 जाति स्पष्ट लिखी हुई है, तो विमुक्त जाति इनके बच्चों को एडमिशन के लिए हम कुरुक्षेत्र भी जा रहे हैं। तो अब BMS के लिए भी और MPhil के लिए भी और LLB के लिए एक एक दो दो बच्चे आए हैं सामने, लेकिन इसके लिए हम 2 बारी मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, मनोहर लाल जी से भी और OSD अमरेंद्र से भी मिला हूँ मैं, कि इन बच्चों को एडमिशन दिया जाए ताकि इस सरकार की गरिमा और बढ़े और मोदी जी का नाम और ऊंचा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया हमारे पास ये प्रमाण पत्र। अब इस प्रमाण पत्र के उस पर कोई लाभ नहीं है विद्यार्थियों को, जब शिक्षा में ही इन बच्चों को नहीं उठाया जा रहा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जल्द ऐसा कोई प्रावधान किया जाए कि इन बच्चों का दाखिला हरियाणा लेवल पर सभी यूनिवर्सिटियों को आदेश दिया जाए और कुछ ऐसी चिट्ठी वहाँ पर भेजी जाए कि जिसके तहत इन बच्चों को लाभ मिले और इनका दाखिला MBBS में हो, MPhil में हो, LLB में हो, HBSC में, UPSC में इनकी भागीदारी हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।